नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 9 है, नवमा पाठ है, नवा पाठ, अहम अभी विद्यालय गमिष्यामी, मैं भी विद्यालय को जाऊंगी, इस पाठ का कुछ भाग हमने बच्चों हिंदी ट्रांसलेशन अनुवाद हिंदी अनुवाद किया और साथ ही जो कठिन शब्द थे बच्चों उनको समझा। आज की कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पुनः मैं आपको जो पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था उसको क्विकली रिपीट करवाते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्मरण करवा दूं कि हमने अब तक पढ़ा था बच्चों कि जो मालिनी है वो अपनी पड़ोसन गिरजा को बोल रही है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ और किसी अन्य काम वाले को यदि तुम जानती हो तो मुझको बताना। तो गिरजा ने बोला कि हाँ, मेरी जो नौकरानी है वो भी अपनी पुत्री के लिए काम ढूंढ रही थी, मैं कल तुम्हें उससे मिलवाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की डोरबेल बजी और तो डोरबेल बजी तो उसने वो मालिनी देखती है कि गिरिजा की जो सेविका है, गिरिजा की जो नौकरानी है दर्शना, और अपनी एक 8 साल की बच्ची को साथ लेकर के आई है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था और साथ ही हमने पढ़ा था बच्चों कि दर्शना बोल रही है कि दर्शना ने बोला कि भाई आपको काम वाले के काम के लिए ज़रूरत थी, गिरिजा महोदय से आपने पूछा था, मेरी जो मालकिन है उससे आपने पूछा था तो कृपा करके मेरी बेटी को काम पर रख करके मुझ पर कृपा करें, इस तरह से उसने बोला। तो मालिनी ने बोला कि लेकिन ये तो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, छोटी प्रतीत हो रही है, ये काम कैसे कर सकती है, इसके तो खेलने और पढ़ने की उम्र है अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से बोलने पर उसने बोला कि नहीं, मेरी बेटी दर्शना ने बोला कि नहीं, ये एक घर का पूरा कंप्लीट कार्य कर लेती थी, संपूर्ण कार्य कर लेती थी, लेकिन वो जो परिवार है वो अभी विदेश में सेटल हो गया है और कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ जिससे कि मेरे घर का संचालन के लिए धन की व्यवस्था हो सके, इस तरह से उसने बोला, ठीक है। और इसके पश्चात मालिनी ने बोला परम, तो अब तक हमने इतना पढ़ा था बच्चों और इसके पश्चात इस पिक्चर के पश्चात जो दिया गया है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं कंटिन्यू करते हुए। मालिनी ने बोला कि परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो कम्प्लीटली ही सर्वथा अनुचित है कि किम न जाना से यह शिक्षा तो सर्वेशाम बालकानाम सर्वासाम बालिकानाम च मौलिक अधिकार है, क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालक और बालिकाओं के लिए का क्या है, मौलिक अधिकार है, इस तरह से मालिनी ने बोला। तो दर्शना बोली कि महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं सोदरपूर्ति रेवास्ति, कि हे महोदया हमारे लिए तो मौलिक अधिकार केवल सोदरपूर्ति अपने उदर की पूर्ति ही है। एतस्य व्यवस्थाये अहम् सर्वस्मिन् दिने पंच षड् ग्रहणां कार्यं करोमि, और इसकी व्यवस्था के लिए मैं सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन में 5-6 घरों का क्या करती हूँ, काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यम न करोति, मेरा रोगी जो पति है वो तो कुछ भी कार्य नहीं करता है, अतः अहम् मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, इसीलिए मैं मेरी पुत्री के साथ मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती हूँ। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धन पर्याप्तं न भवति, इस महंगाई के काल में, महार्घता काले में, इस महंगाई के काल में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जीवन के लिए, जरूरी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए ही जब धन पर्याप्त नहीं होता है तर यानी तब कथम, तो फिर कैसे विद्यालय शुल्कम, विद्यालय का जो शुल्क है, विद्यालय की जो फीस है वो गणवेशम यानी कि जो विद्यालय की स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है वो, पुस्तकान्यादीनी मतलब पुस्तक आदि के लिए क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनेश्यामी भी बोल सकते हैं इसको कि धन आएगा। तो जो दर्शना उसका कहने का तात्पर्य यह था कि जो इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन पर्याप्त नहीं हो सकता तो फिर विद्यालय की फीस के लिए, स्कूल की फीस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, बुक्स आदि के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस तरह से दर्शना ने बोला। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। तो मालिनी ने बोला कि अहो अज्ञानम भवत्या, तुम्हें तो बहुत ही अज्ञान है, ज्ञान नहीं है तुम्हें तो, ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं है। किम न जाना से क्या तुम नहीं जानती हो, यत नवोत्तर 2009 तमे वर्ष
वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिका अधिकारस्य घोषणा कृता। अहो अज्ञानं भवत्या, तुम्हें तो बहुत ही अज्ञान है, तुम नहीं जानती हो यत् कि नवोत्तर द्विसहस्र यानी कि 2009 में के वर्ष में सर्वकारेण यानी कि सरकार ने सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां यानी कि सभी बालक और बालिकाओं के लिए कृते यानी के लिए शिक्षायाः शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा की। यद अनुसारम और उसके अनुसार षड् वर्षेभ्य उसके अनुसार 6 वर्ष के आरंभ से चतुर्दश वर्ष पर्यंतम यानी कि 14th ईयर के बच्चों तक के लिए सभी बालकों को बालक बालिकाओं को समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालय प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति यानी कि जो 2009 शिक्षा का मौलिक अधिकार सरकार ने जो घोषणा की है उसके अनुसार 6 वर्ष के आरंभ से लेकर के 14th ईयर के 6 से 14 ईयर के जो बालक बालिकाएं हैं उनको सरकार के द्वारा जो समीप स्थित सरकारी विद्यालय होता है उसमें निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं होती है अपितु निःशुल्क गणवेश यानी यूनिफॉर्म पुस्तकें यानी बुक्स पुस्तक स्यूतम जो बैग पुस्तक रखने का थैला यानी कि जो बैग होता है वो पादत्राणम यानी शूज़ जूते माध्यान्ह भोजनम यानी कि दोपहर का भोजन छात्रवृत्ति यानी जो स्कॉलरशिप है वो इत्यादिकम एक्सेट्रा सर्वमेव सभी कुछ प्राप्त होते हैं। दर्शना बोलती है अप्येवम आश्चर्येण मालिनी पश्यति जो दर्शना है वो आश्चर्य से मालिनी को देखती है अप्येवम यानी कि ऐसा है अच्छा ऐसा है इस तरह से बोलती है तो मालिनी बोलती है कि आम वस्तुतः एवमेव हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना बोलती है कि कृतार्थताम प्रकटयन्ति कृतार्थता प्रकट करते हुए अपना आभार प्रकट करते हुए दर्शना का एक्सप्रेशन होता है कि अनुग्रहिता अस्मि महोदय मुझ पर बहुत ही कृपा की है महोदय आपने एतद् बोधनाय ऐसा मतलब मुझको ज्ञान करवा करके मुझे जानकारी देकर के कहने का तात्पर्य है अहम अध्येवास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि मैं आज ही इसका जो एडमिशन है प्रवेश है वो समीपस्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री ब्रैकेट में लिखा है उल्लासेन सह अहम विद्यालयं गमिष्यामि तो दर्शना की जो पुत्री है वो उल्लासेन बहुत ही उल्लास के साथ में बहुत ही खुशी से उछलते हुए वो बोलती है कि अहम विद्यालय मैं भी विद्यालय जाऊंगी अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी। ब्रैकेट में लिखा है इत्युक्त्वा कर्तलवादन सहित नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति यह बोल करके कर्तलवादन सहितम यानी कि कर्तलवादन यानी तालियों की ध्वनि के साथ में नाचने लगती है और मालिनी के प्रति अपनी अपना आभार कृतज्ञता प्रकट करती है ज्ञापित करती है। ठीक है बच्चों तो हमने पाठ जो पढ़ा है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी इसका कंप्लीट अनुवाद हमने सीख लिया है बच्चों। ठीक है आप लोग प्रैक्टिस करें और अनुवाद समझें और साथ ही जो सरकार ने शिक्षा का मौलिक अधिकार कि जो घोषणा की है और सरकारी विद्यालयों में जो भी सुविधाएं दे रही है सरकार आप लोग भी कोशिश करें कि सभी जने इसका लाभ उठा पाएँ बच्चों। ठीक है ना जो जिसको पढ़ने की इच्छा है उसको यदि ज्ञान नहीं है नॉलेज नहीं है कि सरकार ने क्या क्या घोषणाएं कर रखी हैं सरकार उनकी कितनी हेल्प करी है वो लोग आप अवगत कराएँ लोगों को। ठीक है तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है बच्चों उनको हल करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुभम मंगलम।